Hey, what is up, guys? आज भारत के 139 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमने हमारा पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और स्पेस सेक्टर में इसी के साथ ही प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हो चुकी है। हालांकि अभी हम सबको ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे चल के ये बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। इसीलिए आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं विक्रम एस के बारे में। दरअसल विक्रम एस रॉकेट को बनाने वाली कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस, जो कि आज से ठीक 4 साल पहले यानी कि 2018 में इसरो के ही पुराने दो साइंटिस्ट पवन कुमार चंदना और नागा भरत डंका ने मिलकर की थी। और ये विक्रम सीरीज के रॉकेट को उन्होंने डेवलप किया, जिसमें 3 रॉकेट विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 है। लेकिन इससे पहले इन्होंने विक्रम एस को लॉन्च कर दिया और इस रॉकेट का नाम ही भारत के स्पेस प्रोग्राम के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। लेकिन इससे भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि विक्रम एस रॉकेट की लॉन्चिंग के बाद अब भारत में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के आने का रास्ता खुलेगा। और अभी तक मार्केट में बेलास्ट्रिक एरोस्पेस, अग्निकुल, ध्रुव और एस्ट्रोगेट जैसी कई सारी प्राइवेट कंपनियां आ चुकी है। हालांकि अब तक ये सारे स्पेस मिशन और रॉकेट बनाने का काम इंडियन स्पेस रिसर्च यानी कि इसरो का था, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अब इन सभी प्राइवेट कंपनियों को भी ये मौका मिलेगा और इनकी वजह से स्पेस सेक्टर में भी नए नए इनोवेशन आएंगे, नए आइडियाज आएंगे, नए टेक्नोलॉजी आएंगी और खर्च भी कम होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्पेस टेक मार्केट का हिस्सा पूरी दुनिया में तकरीबन 400 अरब डॉलर यानी कि 32,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें भारतीय स्पेस टेक इंडस्ट्री में अब प्राइवेट कंपनियां आने की वजह से ये हिस्सा 2035 तक भारत का हिस्सा इसमें 77 अरब डॉलर यानी कि 6200 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखना। साइनिंग ऑफ TH, गुड बाय।